नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करेंगे। ऑटो सेक्टर का ये शेयर है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 860 से 880 के बीच एक कारोबार कर रहा है। दूसरी तिमाही का नंबर्स आए हैं बीच मार्केट में, तो नंबर्स को देखते हैं। रेवेन्यू इनकम क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, EPS अर्निंग पर शेयर क्या रहा है इस क्वार्टर में, उसकी बात करेंगे और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, मार्केट कैप की बात करेंगे और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे। जिनके पोर्टफोलियो में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है तो पिछले 1.5 साल के अनुसार तो अच्छा रिटर्न मिला, बट पिछले 4-5 महीने में एक तरह से रेंज बाउंड कारोबार किया, थोड़ा सा प्रेशर भी रहा है। स्टॉक ने हाई बनाया था लगभग 970-971 तक, वहाँ से गिरावट में भी है। और जिनके पोर्टफोलियो में है तो क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं, Q2 के नंबर्स हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं इस क्वार्टर में, देखिए 14,410 करोड़ का टोटल इनकम है और एक साल पहले दूसरी तिमाही का 11,974 करोड़ का था। Q1 में था 11,967 करोड़, तो देखिए 14,410 करोड़ रुपया इनकम हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है और साल दर साल के हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे और सीधे से, और एक्सपेंसेस का कॉलम ये है जो इन्होंने खर्चा किया है, 12,268 करोड़ का किया है और पिछली बार था 10,237 करोड़ और Q1 में था 10,761 करोड़। तो देखिए टोटल इनकम है 14,410 करोड़ का और टोटल एक्सपेंसेस है 12,268 करोड़ का, तो प्रॉफिट है महिंद्रा एंड महिंद्रा को। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स देखिए 1,431 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में और एक साल पहले था 161 करोड़ का और Q1 में था 855 करोड़ का। तो देखिए एक तरह से प्रॉफिट जो आया आपकी बार ज़बरदस्त आया है दोस्तों, 1,431 करोड़ का प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू भी बढ़ के आया है। EPS की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। देखिए अर्निंग पर शेयर का ये कॉलम है और 11.98 का है, लगभग 12 के आसपास है और पिछले साल था 1.36 का और Q1 में था 7.16 का। तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आई है और बढ़ के आया है और प्रॉफिट ज़बरदस्त आया है दोस्तों इसमें और रेवेन्यू भी बढ़ के आया है। पिछले साल के अनुसार देखते तो 11,974 करोड़ का था, अब की बार है 14,410 करोड़ का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो Q2 का रिजल्ट पेश किया है, ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं लगभग 870-875 के आसपास है। दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं और स्टॉक प्राइस की बात करते तो अभी देखिए जैसे कि बीच मार्केट में रिजल्ट आया है तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, लगभग 874-875 के आसपास कारोबार कर रहा है, हाई जो बना लिया है 887.40 और इसमें देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल से ही इसमें गिरावट आई है। अक्टूबर के महीने में 13/10/2021 को ये ऊपर की तरफ था 967 के आसपास, वहाँ से एक तरह से गिरावट है और इसमें तेजी भी आई थी सितंबर के महीने में, एक तेजी आई थी लगभग 727-730 तक आया था दोस्तों। जो रेंज बना हुआ है 730 से ऊपर की तरफ 971 और अभी ये स्टॉक प्राइस है 874 के आसपास, तेजी रहने की संभावना रहेगी चार्ट में। इसमें एक बड़ी तेजी तब आएगी लगभग 900 के ऊपर, 907 और 910 के ऊपर अगर निकलता है ये तो स्टॉक हमें फिर ऊपर की तरफ लगभग 936 और ये लगभग 953 तक जाता हुआ दिखेगा और 950 के आसपास अगर ये क्लोज हो जाता तो अपने 52-week हाई को ब्रेक करते हुए, 971 को ब्रेक करते हुए लगभग 990 से 1000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा, बट समय लगेगा दोस्तों। ये स्टॉक हमें 1000 को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अभी देखिए अगर 6-7 महीने का अगर हम ट्रेंड देखें, देखिए इससे पहले इसमें एक तेज़ी आई थी फरवरी के महीने में, तो 7-8 महीने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। नेक्स्ट 6 महीने में तेज़ी आने की संभावना रहेगी और अपने 52-week हाई को ब्रेक करेगा 970-971 को, तो मान के चलिए 5-10% ऊपर की तरफ होगा, 6 महीने के अंदर ये 1000 को क्रॉस करना चाहिए दोस्तों। और सपोर्ट की बात करते हैं तो हाल फिलहाल का जो सपोर्ट है ये है दोस्तों, जो अभी सपोर्ट रहेगा इस वक्त 836-835 का रहेगा, अगर इसके नीचे ये फिसलता है थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है दोस्तों। और नीचे की तरफ अगर दिखता है ये
तो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखना चाहिए। और ऑटो सेक्टर में अब कौन सी कंपनी पसंद है उसके अनुसार देखना चाहिए, क्योंकि सभी कंपनी को तो खरीद नहीं सकते हैं, सभी कंपनी के शेयर तो खरीद नहीं सकते हैं। जैसे कि मारुति है, टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड भी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दूसरी तिमाही का जो रिजल्ट आया महिंद्रा एंड महिंद्रा का जबरदस्त पेश किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप इस वक्त 1,09,898 करोड़ का हो गया है। 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और फेस वैल्यू 5 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 405 का है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक साल का रिटर्न है 43 का और 43% का है, और 3 साल का रिटर्न 11% का। 3 साल के हिसाब से देखते हो तो कम है, बट ये कि पिछले 1.5 साल के अनुसार काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, और 3 महीने का रिटर्न देखते हो तो 13% का। दोस्तों तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं दूसरी तिमाही का Q2 का रिजल्ट के अनुसार। तो देखिए इम्प्रूवमेंट आया है और रेवेन्यू भी बढ़ के आया है, प्रॉफिट पर ज़बरदस्त उछाल आया है, बढ़िया रिजल्ट आया है, EPS भी बढ़ा है। और स्टॉक में देखिए ऊपर की तरफ से गिरावट रही है, और पिछले 6-7 महीने के अनुसार देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म किया है। और जैसे ही 900 के ऊपर अगर टेक्निकली देखते हैं, 907 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो लगभग 936 और अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, और 1000 को भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों नेक्स्ट 3 से 6 महीने में एक बढ़िया रिटर्न मिलना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा से। और सपोर्ट की बात करते हैं लगभग 830-837 का बना हुआ है, अगर उसके नीचे फिसलता है तो एक मौका भी होगा। दोस्तों तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दूसरी तिमाही के नंबर्स पेश किए हैं और शानदार नंबर्स पेश किए हैं, और रिजल्ट के अनुसार स्टॉक को एक तरह से होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों को। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का एनालिसिस और विश्लेषण था। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।